पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। अक्सर उस पर आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत निर्धारित करने में इस खुफिया एजेंसी का अहम रोल होता है। हाल ही में देश के विपक्ष ने ISI और उसके नेतृत्व पर राजनीतिक इंजीनियरिंग यानी जोड़ तोड़ का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ISI के DG पर 2018 के संसदीय चुनावों में इमरान खान की जीत के पीछे असल योजनाकार होने का आरोप भी लगाया गया। आखिर ISI में ऐसा क्या है जो इसे पाकिस्तान के अंदर और बाहर आलोचना का सामना करना पड़ता है? ऐसा क्यों है कि राजनीतिक संदर्भ में किसी भी अपहरण, हत्या, धमकी के लिए ISI को जिम्मेदार ठहराया जाता है? इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। ISI की प्राथमिक जिम्मेदारी देश के सशस्त्र बलों की व्यावहारिक और वैचारिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसा कि इसके नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से पता चलता है। सिविलियन भी ISI में उच्च पदों पर हैं, लेकिन इस एजेंसी के संगठनात्मक ढांचे में उनके पास ज्यादा ताकत नहीं है। लेखक डॉक्टर हैन एच केसलिंग ने अपनी किताब ISI ऑफ पाकिस्तान में इस एजेंसी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को शामिल किया है। डॉक्टर केसलिंग की किताब के मुताबिक वह 1989 से 2002 तक पाकिस्तान में रहे हैं। वह अपनी किताब में बताते हैं कि यह एक आधुनिक संगठन है जिसकी तवज्जो खुफिया जानकारी जुटाने पर है। उनके अनुसार किसी भी आधुनिक खुफिया एजेंसी की तरह ISI में भी 7 निदेशालयों और विभागों की कई परतों के अलावा विंग बने हुए हैं। ISI के संगठनात्मक ढांचे पर सेना का दबदबा ज्यादा है, हालांकि नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भी संगठन का हिस्सा हैं। ISI के DG विदेशी खुफिया एजेंसियों और इस्लामाबाद में स्थित विदेशी दूतावासों में तैनात सैन्य अटैचमेंट के लिए एक संपर्क केंद्र की भूमिका निभाता है। इसी तरह पर्दे के पीछे वह खुफिया मामलों पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने BBC को बताया कि सशस्त्र सैन्य बलों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस शामिल है, जो अपनी अपनी संबंधित सेनाओं के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करती हैं और कर्तव्यों का पालन करती हैं। कभी कभी ISI और इन सेनाओं से संबंधित खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक ही तरह की जानकारी भी इकट्ठा कर ली जाती है, क्योंकि ये सभी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते हैं और दुश्मन की चालों की निगरानी करते हैं। लेकिन अन्य खुफिया एजेंसियों की तुलना में ISI को सैन्य ढांचे में सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी और शक्तिशाली खुफिया एजेंसी माना जाता है। ISI के बजट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वॉशिंगटन स्थित फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा कई साल पहले किए गए एक अध्ययन के अनुसार ISI में 10,000 अधिकारी और स्टाफ सदस्य हैं, जिनमें मुखबिर और सूचना देने वाले लोग शामिल नहीं हैं। सूचनाओं के अनुसार ये 6 से 8 डिवीजनों पर आधारित है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ISI का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन मुख्य रूप से इसे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर केंद्रित एक खुफिया एजेंसी बनाता है। ब्रिगेडियर फिरोज एच खान वह अधिकारी थे जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और ईटिंग ग्रास नामक किताब लिखी। फिरोज एच खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल जिया उल हक पाकिस्तान की खुफिया सेवा ISI के निर्माता थे। वह काउंटर इंटेलिजेंस को इस तरह से चलाना चाहते थे जो दूसरी सभी खुफिया एजेंसियों से बढ़कर हो या ये दूसरों से उच्च स्तर की हो। इसलिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज की संरचना का डिजाइन बनाया गया ताकि यह पारदर्शी तरीके से विकसित होकर आगे बढ़ सके और इसका अतिरिक्त ध्यान देश के अंदर और बाहर काउंटर इंटेलिजेंस पर केंद्रित हो। ISI के अंदर आज तक डायरेक्टरेट्स काउंटर इंटेलिजेंस हैं, जिसे ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4 डायरेक्टरेट हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग जिम्मेदारी है। एक डायरेक्टर विदेशी राजनयिकों और विदेशियों की फील्ड निगरानी को संभालता है। दूसरा डायरेक्टर विदेश में राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरे डायरेक्टर की जिम्मेदारी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में खुफिया जानकारी प्राप्त करना है। चौथा डायरेक्टर इंटेलिजेंस मामलों में प्रधानमंत्री के सहायक के तौर पर काम करता है। यह ISI का सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। इसकी जिम्मेदारियों में स्वयं ISI के कर्मियों की निगरानी और राजनीतिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना शामिल है। यह पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में मौजूद है।